बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एंड फखर रागले टू ऑल ऑफ यू, मैं हूं फखर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे, पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आ चुकी है और प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारा जिसके लिए 8 फरवरी को लोगों ने वोट पोल किए थे, उसके बाद ऑलमोस्ट इसको एक महीना इस पूरे प्रोसेस को लगा। इस दफा काफी लेट हुआ ये, खैर बट फाइनली ये हो गया। और अब क्या होगा ये असल सवाल है कि अब गवर्नमेंट बनने के बाद आगे क्या लोग, यानी गवर्नमेंट डिलीवर करेगी या नहीं, क्योंकि अगर आप किसी से भी बात कर लें, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ओके, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या पंजाब हो, हर कोई ये कहता है कि यार हमें क्या रिलीफ मिलेगा या मजीद हमारे ऊपर बर्डन डाला जाएगा, ये असल सवाल है। और दूसरा, जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है तो क्या बाकी दुनिया भी इसी तरह कुछ कर रही होती है? मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड है, हमारा नेबरिंग कंट्री हिंदुस्तान है, या बाकी लोग हैं, क्या वो भी इसी तरीके से सारा सिस्टम या सारा सेटअप चलाते हैं, या वो कहते हैं नहीं यार अपना उगाओ अपना खाओ? इस पे आज बात करेंगे और बात करने के लिए काफी लंबे टाइम के बाद हमें ज्वाइन कर रही है माली सरकारी, आप देखते रहते हैं उनके अपने चैनल पे भी और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है मुख्तलिफ चीजों के हवाले से। वैसे तो वुमेन राइट्स और इस पे भी करती है, बात ज्यादा करती है, बट हम उनसे थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजों पे आज बात करेंगे। माली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you so much, Fakir ji, for having me. Sorry, मैं काफी अरसे से बुला रहे थे, जरा थोड़ी बिजी थी, मगर I always मगर मैं देख रही थी, पीछे बैठ के देख रही थी मैं सारा कुछ, you know. Sometimes it's more fun to sit and watch. I think, you know, popcorn लेकर आप बैठो और बस देखते रहो, उसमें ही बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। अच्छा माली, मतलब you are living in Canada, लाजमी सी बात है वहां पे भी गवर्नमेंट है, वहां पे भी एक सिस्टम है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान से कंपेयर करूं या किसी और से, बट हमारे बिल्कुल साथ, यानी एक ही दिन बनने वाला इंडिया है 1947 और पाकिस्तान सेपरेशन हुई, उसके बाद से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 77 ईयर्स हो गए। वहां पे ग्रेजुअली उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी और अपनी चीजों को स्ट्रेंथन किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमने जो हमारे पास था उसको भी शायद खो दिया। अभी गवर्नमेंट बनी तो है लेकिन लोगों को यानी ना तो किसी को खुशी है, इवन मुझे लगता है कि जो बने उनको भी खुशी नहीं है कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं। मतलब क्या ये, क्या आपको वहां पर बैठ के क्या चीज नजर आई, क्योंकि यू मतलब ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है आप यहाँ पे नहीं है लेकिन आपका सारा मतलब आपके फैमिली के लोग बाकी लोग पाकिस्तान से, आप खुद पाकिस्तान से गई हैं, उस वक्त भी देखा होगा, अभी भी लाजमी सी बातें देख रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि कनाडा में बैठ के पाकिस्तान का किसी को पता नहीं है या अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान का किसी को पता नहीं है, लेकिन क्या आपको लग रहा होता है कि ये हम डेलिबरेटली करते हैं ये चीजें, या बस हमारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम फिट हुआ है कि हमने ऐसे ही करना है, उल्टा ही करना? देखिए, जब इमरान खान आ रहे थे ना लास्ट टाइम, जब इलेक्शन हुए थे इमरान खान आ रहे थे, आई वाज ऑलवेज अ फैन ऑफ इमरान खान, क्योंकि हमने देखा कि भाई ये बाहर का पढ़ा लिखा बंदा है, बड़ा प्रोग्रेसिव है, इसकी तो गोरी बीवी भी थी, भाई बिकिनी में मेरी लड़कियों के साथ घूम रहा है, ये तो पाकिस्तान को चेंज कर देगा। सो आई वॉज वेरी होपफुल, यू नो, हम लोग बहुत वो थे। तो उन्होंने आके जो यू टर्न लिया, वो यू टर्न के बाद यू टर्न, यू टर्न के बाद यू टर्न, एंड इट वॉज जस्ट वेरी डेविस्टेटिंग फॉर इवन फॉर अ पर्सन लाइक मी टू सी फ्रॉम हियर। अब बात यह है कि पॉपुलैरिटी तो उनकी बड़ी, राइट, क्योंकि ही वेंट अगेंस्ट, आपको पता है, लाइक द एस्टैब्लिशमेंट एंड स्टफ, तो आई गेस ही वेंट रोग, लाने वाले वही थे उनको। मैं मगर अब मुझे ये लगता है कि इट डजंट मैटर कि आप सिर्फ चेहरा बदल रहे हो, सिस्टम आप नहीं बदल सकते। सिस्टम जो पीछे लोग बैठे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, वही करेंगे, और वो अपना पपेट ला के बिठा देते हैं इन द फ्रंट। तो एज फॉर लाइक पाकिस्तानी, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज बेहतर होगी, शायद 19-20 फर्क आ जाए, शायद, वो भी मैं कह रही हूँ,
क्योंकि आपने देखा है कि अगर पीएमएलएन ये लोग जब आते हैं तो इन्होंने लाहौर को तो बड़ा अच्छा बना लिया, पंजाब अच्छा बन गया, मगर सिंध इग्नोर कर दिया पूरा ही, बलोचिस्तान आपने इग्नोर किया हुआ है, आपने पूरे बाकी पूरी कंट्री को आपने इग्नोर किया हुआ है। सो एवरीबडी हैज देयर फेवरेट्स राइट, मगर मैं वही फिर कहूंगी कि आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस होगा। जैसे आपने खुद कहा कि जो जीतते हैं उनके अंदर ही मोटिवेशन ही नहीं है जीतने की, वो भी कह रहे अच्छा भाई जीत गए अब फिर पड़े पड़ गया हमारे, अब फिर बैठ के इसको संभालो। तो ये विरासत का खेल चल रहा है ना, ये तो वही कहते हैं ना भाई मुल्क आपको विरासत में मिल रहा है, सिंपल। और ये यही चीज यहाँ कनाडा में भी चल रही है, कनाडा में कौन सा हमारा कोई नया बंदा आ गया है, वो ट्रूडो आया है, वो भी अपनी लेगेसी लेकर आया है, यू नो। सो इट्स जस्ट ये चीज को ब्रेक करना पड़ेगा कि ये विरासतों में जो मुल्क चला रहे हैं ना लोग, चाहे उनके पास एजुकेशन हो, चाहे उनके पास एक्सपर्टीज हो या ना हो, भाई विरासत में आपको मिल गया। अब देख लो आप ये जितने आ रहे हैं नवाज शरीफ की जो फैमिली है, अब इनके बच्चे वो भी करेंगे रूल, यू नो। एंड देयर इज आई कैन टेल यू कि देयर इज वे मोर क्वालिफाइड पीपल टू रन पाकिस्तान, मगर वो कभी आएंगे ही नहीं सामने, उनको आने नहीं दिया जाएगा। इट्स अ सैड सिचुएशन, मगर क्या करें, मैं पर्सनली सोचती हूँ कुछ नहीं होना है। ओके अच्छा माली, हम देखते रहते हैं इंडिया से, ठीक है हमें तो यही पढ़ाया गया, आप भी जितना पाकिस्तान में पढ़ी होंगी तो लाजमी बात है वही आपने भी पढ़ा होगा जो हमने पढ़ा है कि भाई ये तो हमारा असली दुश्मन है तो हम ये कर देंगे वो। अच्छा आज वो जिसको हमने असली दुश्मन हमें पढ़ाया गया या बताया गया वो कहीं और स्टैंड करता है, और जो हम है हम कहीं और स्टैंड करते हैं। हम आज भी IMF, वर्ल्ड बैंक, US, फला फला फला, अरब वर्ल्ड, उनसे यही कह रहे होते हैं कि भाई हमारा हाथ बहुत तंग है, आप कुछ करें, हमें कुछ दें, वरना चलने वाला नहीं है सिस्टम। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम उनको देखते हैं तो कहते हैं यार अगर आपको कोई पैसे वैसे चाहिए तो हमसे ले लो, हम आपको दे देंगे। मतलब ये वाला डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस, मैं उनका ये नहीं कहता कि उनके पास इतने 100 अरब डॉलर्स हैं तो हमारे पास उतने 100 अरब डॉलर्स होने चाहिए, नहीं। लेकिन हमारे मुताबिक तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, चले बांग्लादेश जितना हो या उसके आसपास हो या उससे थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखिए आप पहले देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, उस कंट्री को कंट्रोल करना, उसको चलाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। राइट पाकिस्तान की जो मुसीबत है ना वो ये है कि उनके पास एक सिस्टम है नहीं, राइट वो शरिया भी फॉलो कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी भी फॉलो कर रहे हैं, इस चक्कर में वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे, राइट। तो वो कहते हैं ना दो कश्तियों में आप सवार नहीं हो सकते, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो फुल शरिया ले आओ जैसे अफगानिस्तान में, या फुल डेमोक्रेसी चलाइए आप, ये बीच का रूट आप नहीं कर सकते। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैं एक इंटरव्यू कर रही थी कि पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इट, हालांकि दूसरी कंट्रीज ने प्रोग्रेस कर लिया है, मगर पाकिस्तान अपने आप को एक वो सीलिंग वॉल बनी हुई है कि आप अगर आप एंटरटेनमेंट में भी देखें तो एक हद तक बंदा जाएगा, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे फिर सेंसरशिप आ जाती है, वहां रिलीजियस स्कॉलर्स आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं। अब जैसे कि वुमेन डोमेस्टिक अब्यूज का जो बिल है, राइट, उसको पास नहीं होने दे रहे थे, क्यों, कहने लगे कि नहीं भाई इसमें जो पिटाई का चीज है ना वो निकाल दो, बाकी पास कर दो, यानी कि पिटाई अभी भी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि वो शरीयत में आती है। सो दैट्स वेयर यू हिट द ग्लास सीलिंग। वेयर्स इंडिया में चाहे वो कितने भी रिलीजियस हो जाए, उनके पास वो ग्लास सीलिंग नहीं है, दे कैन प्रॉस्पर, दे कैन बिकम बेटर। अब वो अपना नरेंद्र मोदी को देखें, वो भाई पानी के अंदर घुसकर उन्होंने पूरी पूजा की, एंड वट एवर आई एम एन एग्नोस्टिक, तो यू नो आई जस्ट डोंट थिंक कि उससे कुछ हो जाना है, मगर as long as वो मुझे hurt नहीं कर रहे, whatever he can do it, you know? मगर आप उस religion को लेकर भी लोग कहते हैं कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी बहुत वो हो गए, कट्टर ये हो रहे हैं, हिंदू हो रहे हैं, they're still progressing। अगर वो कर भी रहे हैं ना तो वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, उनके तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं मालीज, वो 8% ग्रोथ रेट चल रहे हैं उनके यहाँ। मेरी समझ में नहीं आता, मैं यहाँ पे लोगों से ट्विटर पे कभी कभार बात कर रही होती हूँ जो पाकिस्तानी बाहर बैठते हैं ना, एंड दे आर ऑलवेज We are proud to be Pakistan. यानी ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं इंडिया के बारे में, मेरा मुंह खुला रह जाता है कि इंडिया भीख मांग रहा है, इंडिया भी अभी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो भीख मांगना हो रहा है, आपके यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, आपके वहां पे QR कोड आ गया था तो सैमसंग की बोर्ड आपने हटा के फाड़ दिए थे, फिर आपने दुकानें जलानी शुरू कर दी थी, अभी वो बंदी ने कपड़ा पहना हुआ था तो उसको मारने चले गए थे, कौन अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आके आपके पास इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडिया में अभी वो टिम कुक गया था, बड़े बड़े लोग
इंडिया ने अभी रियाना को बुलाकर, या और मजे की बात यह है कि अभी ये लोग इंडियंस यही बात कर रहे थे कि रियाना जो थी फार्मर्स प्रोटेस्ट पे ना बड़ा उसने वो करा था, इतने पैसे देकर वहां पे बुला के लोग ये कह रहे हैं कि उनको औकात दिखाने के लिए बुलाया था कि देखो तो वहां पे भी पैसों की मुकेश अंबानी साहब ने जब बुलाया भी अपने बेटे की शादी में, इट्स लाइक डे एंड नाइट, यू कैंट कम्पीट विद इंडिया। पाकिस्तान को कम्पीट करना है तो आप जो है अपने ऐसे मुल्क ढूंढने जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इन लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया को कंपेयर करना है ना कंपेयर टू चाइना, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग लाइक इज बराबर में है ना। बिल्कुल, आप यहाँ नीचे है तो आप कम्पीट यहाँ पे कर रहे हैं तो की नहीं बनती है। और नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कितना कितनी भीड़ जमा होती है, हमारे बेचारे शहबाज शरीफ, उनकी उनका तो वो जो वीडियो वायरल हुआ तो छाता पकड़ के खींच के निकल लिया आगे, लाइक होली ऐसे कौन करता है, ऐसी ऐसी तो आप हरकतें करते हो फिर कहते हो कि हम बड़े प्राउड पाकिस्तानी है, लाइक सीरियसली आई एम एम्बैरस्ड टू कॉल माय सेल्फ पाकिस्तानी समटाइम्स टू बी ऑनेस्ट। अच्छा मान लीजिए आपने बात की और मतलब हमें एक शायद मेंटल कोई सिकनेस हो सकती है, मैं तो यही कहूंगा कि हम कहते हैं कि जी वहां पे खाली यूएई जो है वो पता नहीं $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी अरेबिया मोर देन $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसी तरीके से हर कंट्री मतलब उसकी उसकी कोशिश यही है। अभी क्योंकि मुकेश अंबानी साहब का क्या था, वो ना बुलाते मार्क ज़करबर्ग को, फला 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 ना बुलाते, $50 करोड़ यानी $500 मिलियन उसने खर्चा किया है। वो कोई पागल तो नहीं है कि वो $500 मिलियन जो है वैसे जोंग देगा, उसको पता है कि इससे $500 अरब की जो है ना इन्वेस्टमेंट आएगी, उसने अपने मुल्क के लिए ही किया या अपने बिजनेस के लिए भी अगर किया तो उसका फायदा अल्टीमेटली हिंदुस्तान को पहुंचेगा, हिंदुस्तान के लोगों को भी पहुंचेगा। हम इस तरह की कोई चीज क्या हम सोच सकते हैं? मैं ये नहीं कहता $500 मिलियन की हम किसी शादी पे या वो नहीं कह रहा हूं, और ना मैं कंपेरिजन करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कम अज कम चले उनके कोई 5%, उनके कोई 10% तो हम भी कुछ करते हैं ना, उनके 100% नहीं हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं, और ना ये कंपटीशन हमें छोड़ना पड़ेगा, ये जो हम कहते हैं ना हवाई किले हमने बनाए हुए ये हमें छोड़नी पड़ेगी। ये बात की थी भाई वो नंबर 4 पे इकोनॉमी में है, नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, रिजर्व्स के हवाले से देख रहे हैं चौथा उनका नंबर है दुनिया में सऊदी अरेबिया के बाद, उनके पास सबसे बड़े रिजर्व्स पड़े हुए हैं, आप उनका डिफेंस देख रहे हैं, उनकी बाकी चीजें देख, उनकी डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हाइएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी मिडिल क्लास वहां पे रहती है, ये सारा कुछ है। इसके बाद हमारा मैं कहता हूँ कि हमें ये अगर ये कंपटीशन हमने मालिश छोड़ दिया तो शायद हम फिर तरक्की करना छोड़ दें। दूसरा ये वाला, ओ भाई ये क्या हिंदुस्तान की क्या औकात है, इससे हम निकल क्यों नहीं रहे? मतलब औकात तो उनकी है लेकिन अगर हम नहीं मानते तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। इसके लिए बड़ी अच्छी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब आपकी समझ में नहीं आता तो आप क्या करोगे, राइट? तो आप ऊट पटांग की बातें करते हैं, ये बात करना कि भाई हाँ उनकी औकात नहीं है, हम तो उनको उखाड़ के रख देंगे, हम तो गजा हिंद करेंगे, इट्स जस्ट सो स्टूपिड। और जो लोग इनके दिमाग में ये चीजें डाल रहे हैं, अच्छा ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान में भी किसी वडेरे ने शादी करवाई थी तो वहां पे पता नहीं क्या क्या कितना पैसा उसने भी खर्च किया था, राइट? पाकिस्तान में पैसा है और पाकिस्तान में पैसा आ रहा है मगर पाकिस्तान में लगाया नहीं जाता है, वो पैसा खाया दिया जाता है, सारे जितना पैसा आता है वो लोग खा लेते हैं, बिकॉज़ दे डोंट वांट टू प्रॉस्पर, राइट? आप किसी को भी देखें, इंसान को ना, इवन पाकिस्तान में भी लोग हैं जो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, राइट? अब फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, हर चीज से बेहतर करना चाहते हैं, इसी तरह से कंट्रीज हैं जो अपने आप को बेहतर करना चाह रही है, राइट? चंद कंट्रीज ऐसी हैं जिनका मैं डाउनफॉल मुझे लगता है आएगा इन द फ्यूचर, वेस्ट इज गोइंग टू गो डाउन, और वो उनकी खुद की गलती है, राइट? व्हेयरएज अब जो ईस्ट है वो उभर के आएगा, इंडिया इज कमिंग अप, चाइना आएगा आगे, आप देखिएगा ये सारे जो है ना, इट्स गोइंग टू पावर इज गोइंग टू शिफ्ट इन द फ्यूचर, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, बिकॉज दे ब्रॉट इन सो मच गार्बेज फ्रॉम अदर कंट्रीज हियर, राइट? अब आप तो द थिंग इज कि अगर आप अपना फोकस ही रखेंगे और अपनी बेहतरी नहीं करना चाहेंगे, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू गेट बेटर। पाकिस्तान अगर प्रॉस्पर कर लेगा और अपनी खुद पैसे उनके पास इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, देन भीख कैसे मांगेंगे वो? देखें एक बंदा है ना जिसको यहाँ वेलफेयर मिल रही है, राइट? वो घर में बैठ के, मैं आपको खुद बताती हूँ, आई वॉज डेटिंग समवन ना, तो मेरे खर्चे वो उठा रहा था, राइट? उस वक्त तो मैं लेजी हो गई थी, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट?
तो मैं बैठ के आराम से खा रही थी। जब आराम से आप बैठ के खा रहे हैं, आपको खैरात मिले जा रही है, मिले जा रही है, आप मेहनत क्यों करेंगे? राइट, व्हाई आर यू गोइंग टू डू दिस? एक और मैं आपको एग्जांपल इसकी देती हूँ कि जब मैं मेरी बच्ची पैदा हुई, राइट, तो मैंने उसको डे केयर में डालना था। अब डे केयर की फी थी 1600 अ मंथ, 1600 अ मंथ। तो क्योंकि उस वक्त मेरा एक्सीडेंट भी हो गया तो आई वाजंट वर्किंग, तो मैंने उनसे कहा भाई मेरी तो इतनी इनकम है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम जो है पूरी गवर्नमेंट ने 1600 पूरा कवर किया। अब जब तक मेरी बच्ची डे केयर गई है मैंने काम कम किया, मैंने अपनी इनकम इतनी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी इनकम बढ़ी तो मुझे वो पैसे अपनी जेब से डालने पड़ेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वहां पर जब तक आ रहा है तो वो खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम तरक्की कर लेंगे, अपना पैसा मेहनत करके बना लेंगे तो हमको कोई मदद ही नहीं देगा, फ्री में आ रहा है, खाते रहो आराम से, क्योंकि पैसा लोगों को थोड़ी जा रहा है। अमीर कौन हो रहा है? किसकी प्रॉपर्टीज है कैनेडा में, यूके में, इन किसकी प्रॉपर्टीज है? राइट, इन्हीं तो प्रॉपर्टीज हैं। और करप्शन आपकी नंबर वन ऊपर है, लोग नहीं चाहते कि कोई ऑनेस्ट बंदा आके वहां पे करे। ऑनेस्ट बंदा आ भी गया ना तो उसको मरवा देंगे, फौरन मरवा देंगे। दे डोंट वांट ऑनेस्ट पीपल, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू प्रॉस्पर, दे डोंट। अभी देखिए ये इलेक्शन था, क्या था ये? इट वाज अ जोक, इट वाज अ जोक। नांदनी यहां हो रही है, वहां पर ठप्पे लग रहे हैं, एंड इट्स जस्ट लाइक I don't know, it's a wild, wild west. मगर मैं यही कहती हूँ, I don't think के पाकिस्तान का कुछ होना है। उसके अलावा, sorry मेरा कैमरा वो हो गया थोड़ा सा, हाँ, उसके अलावा आपके अंदरूनी उसमें पाकिस्तान में कितनी वो चल रही है, आपकी एक बलोचिस्तान की अलग मूवमेंट चल रही है, सिंधी अपनी अलग मूवमेंट चला रहे हैं, तो पठान अपनी अलग मूवमेंट चला रहे हैं, यू नो। सो वेन पीपल से कि भाई ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद इट विल ब्रेक इन द फ्यूचर, मे बी इट विल ब्रेक इन द फ्यूचर, क्योंकि शायद उनको अपनी अपनी वो करने दो ताकि वो अपने आप को बेहतर तो बनाए ना। विद टुगेदर दे आर गेटिंग नथिंग, राइट? से इसी तरह से यहाँ पे भी कनाडा में भी जो वेस्ट है वो चाह रहा है कि वो यहाँ से अलग हो जाए, क्योंकि रिसोर्सेज सारी वहां से आ रही है, राइट? रिसोर्सेज हम सारी वेस्ट से ले रहे हैं, और उनको ये भी अलाउ नहीं कर रहे कि भाई वो अपनी पाइपलाइन अपने डाल लें तो दे कैन मेक देयर ओन मनी, बिकॉज़ वी हैव द ऑयल, वी हैव सो मच रिसोर्सेज हियर इन कनाडा, बट वी आर नॉट डिगिंग इनटू इट, राइट? सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि होगा इन द फ्यूचर, अगर लोगों को नहीं मिलेगा तो देन दे आर गोइंग टू स्नैच इट। अब कब स्नैच करेंगे ये पता नहीं, डिपेंड करता है कितना आप उनको पुश कर सकते हैं, राइट? अच्छा मान लीजिए एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि ये जो सारा कुछ हमारे यहाँ चल रहा होता है तो बाहर बैठे हुए जो लोग होते हैं, या फिर मतलब एज ए इंडिपेंडेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ना एज ए पाकिस्तानी ना एज ए कैनेडियन, क्या मतलब लगता है कि वो क्या इन सारी चीजों को ट्रस्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं अच्छा हम आईएमएफ से कहते हैं इतना पैसे दे दो, कहते हैं अच्छा ये चीजें कर लो फिर हम आपको देते हैं। अच्छा ये भी लोगों को पता है, क्योंकि एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी 2-3 महीने पहले कि 10 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टी सिर्फ यूएई में पाकिस्तानियों ने खरीदी, लेकिन 1 अरब डॉलर्स के लिए हम मतलब अच्छे खासे जलील हो रहे होते हैं दुनिया भर में। तो वो क्या हमारे इन ड्रामेबाजियों को आज भी लोग यकीन करते हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, या कोई और दुनिया हो जहां से हमें पैसा मिल रहा होता है? देखें, अमेरिका देता है पैसा पाकिस्तान को, राइट? ये रिलीफ फंड है, वो रिलीफ फंड है, व्हाटएवर। वो पैसा कहां जाता है? वो जाता है टॉप के लोगों के पास, राइट? और वो टॉप के लोग क्या करते हैं? वो जाते हैं वहीं अमेरिका में और वहां जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं, वहीं पे जाकर प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। तो ये बाहर के जो ये अमेरिका कनाडा लोग हैं ना, उनको पता है कि भाई वापस आना है हमारी पॉकेट में, कई लोग ये करप्ट लोग हैं, दे दो इनको। अब देखो ना कितनी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है यूके में, इन लोगों ने कोई इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है कि वो मुझे याद है एक वीडियो, वो गोरा जब ये इमरान खान के सपोर्टर्स खड़े हुए थे ना नवाज शरीफ के घर के आगे, तो वो यही कह रहा था कि इतनी महंगे एरिया में मैंने भाई तुम पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान में जाके सॉल्व करो, हाँ। तो वही तो बात है ना कि भाई ये सारे वहां बैठे हुए हैं, इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज बनाई नहीं है, दे ऑल नो कि हमें निकल के कहाँ भागना है। सो ये वेस्ट वाले बड़े स्मार्ट है, इनको पता है कि वहां पे आप पैसे दोगे तो वो हमारे पास ही वापस आएंगे, दे आर गोइंग टू कम बैक हियर एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट हियर, तो उनका पैसा जाया नहीं जाता है। बिल्कुल सही। और अच्छा फ्यूचर में कुछ नजर आ रहा है आपको, पाकिस्तान के फ्यूचर की मैं बात करूं, कैनेडियन फ्यूचर की नहीं पूछ रहा मैं, कि अभी जिस तरह की हुकूमत बनी है, या फिर अच्छा हिंदुस्तान के साथ हमने जो एक जिसे कहते हैं दीवार खड़ी की हुई, हम कहते हैं कि शायद वो जी स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन हम भी तो पीछे नहीं रहते, हम भी तो कहते हैं अच्छा हम तो भाई सबसे बड़े सुपरमैन है दुनिया के, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आज मैंने ट्वीट पढ़ा था शहबाज शरीफ का, कुछ नरेंद्र मोदी पे किया था, कोई फ्रेंडली ट्वीट था आई थिंक ही डिड, व्हिच इज गुड।
आपको जरूरत है इंडिया की, इंडिया को पाकिस्तान की नहीं जरूरत. दे आर डूइंग विदाउट यू फॉर सो लॉन्ग एंड सो मच बेटर, यहाँ तक कि बांग्लादेश आपसे बेहतर कर रहा है. वो भी तो आजाद हुए थे ना, वहां भी तो चल ही रही है ना डेमोक्रेसी, वहां भी सेम ही रिलीजन है, वो कैसे प्रॉस्पर कर गए. ये आप देखिए ना कि सऊदी अरब में भी वही रिलीजन है, आपके टर्की में भी वही रिलीजन है, यू नो. तो हाउ कम दीज कंट्रीज आर डूइंग वे बेटर देन यू. मलेशिया देख लें, आप कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहां की डेवलपमेंट आप देख लो कहां से कहां पहुंच गया है वो, राइट. वहां पे आजादी देखो, डेमोक्रेसी कैसी, वहां पर आप अपने ड्रेस में भी घूम सकती हैं, औरतें बाहर भी घूम सकती हैं, लाइक देयर इज क्लब्स देयर, देयर इज डांसिंग देयर, देयर इज एवरीथिंग, यू नो. तो करने को तो कर सकते हैं, पहले था ना पाकिस्तान ऐसा, उसको बना दिया गया है टू दिस पॉइंट. आई डोंट थिंक के कुछ हो सकता है, मे बी आई डोंट नो, मे बी आई कुड बी रॉन्ग. शहबाज शरीफ शायद अभी उन्होंने एक कदम उठाया है, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ दोस्ती करके चलेगा तो इट इज बेटर फॉर देम. मगर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को खाने वाले सांप बैठे हैं ना, और सॉरी टू से जो मुल्ला बैठे हैं, वो आ जाएंगे फौरन कि भाई ये तो गजवाए हिंद है, ये तो ऐसे है, वो है, वो गंद करने के लिए वो आ जाएंगे वहां पे फॉरन, राइट, व्हिच इज नॉट गुड. तो मैं कहती हूँ कि भाई आप इंडिया के साथ बना के रखें, आपकी कंट्री प्रॉस्पर हो, इट्स बेटर टू बी फ्रेंड्स विद देम देन बी एन एनिमी, ऐसा होना नहीं चाहिए. मगर ये अलग बात है कि इंडिया आप पे ट्रस्ट करेगा कि नहीं, ये बड़ी बात है ना. इंडिया पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट किया, आपने बंदे भेज देने भैया. वरना तो इंडिया को देखो, इंडिया ने आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, आप उठा लें, आतिफ असलम को कौन जानता था यहाँ पर जब तक वो इंडिया नहीं गया, राइट. अदनान सामी को देखें, वो तो वहीं जाके बैठ गए. राहत फतेह अली खान को उठा लो आप, आपके कितने, आप मुझे बताएं इंडिया के कितने एक्टर्स आ गए यहाँ पर पाकिस्तान में. इक्का दुक्का ओम पुरी था, कौन था वो आया था, एक दो कोई आ जाते ना, मेरे ख्याल नसीरुद्दीन शाह एक दफा आए थे. इक्का दुक्का लोग आते पाकिस्तान में, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता. उस दिन मुझसे एक बंदा कह रहा है, ओ पाकिस्तान का टूरिज्म इंडिया से बेहतर है. मैं पाकिस्तान जाता कौन है? दे कैन. अब आप टूरिज्म की अगर बात करो तो कश्मीर हो जाए, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम इस्लामाबाद गोइंग अप टू मरी टू नथिया गली और उसके बाद कागा, लाइक दोज आर ब्यूटिफुल प्लेसेस फॉर टूरिस्ट टू विजिट. आप स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे और भाई कमाओ ना उससे, कमाओ ना. वहां पे सारा कब्जा है ये तालिबान साइल लोगों का, वहां पे कोई गोरा चला गया तो वापस नहीं आएगा. लो तो वहां कौन जाएगा, यू नो, हु वांट्स टू गो देयर. हुंजा वैली इज, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है लोगों ने, मगर दैट इज फॉर द लोकल पीपल, लोकल लोग. आप खुद को पता है ना कि गोरे लोग ट्रेवलिंग टूरिज्म पे इतना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं. अभी देखिए जो मंदिर बनाए, राइट, जो इन्होंने इनॉग्रेशन की, इन्होंने क्यों लगाया इतना पैसा? आपको क्या लगता है कि इस वजह से ये बड़े रिलीजियस हैं ये? नो, पूरी दुनिया में मेडिटेशन, योगा, ये चीजें ऐसे, ये गोरों ने इनको भी हैक करके ले लिया, इससे जबरदस्त पैसा बना रहे हैं, रिट्रीट्स चलाएंगे और लोग जाएंगे वहां वो मंदिर देखने. जितना उन्होंने लगाया उसका ट्रिपल, यानी 10 गुना ज्यादा. बिल्कुल सही है, दैट इज द लॉन्ग थिंकिंग ऑफ इट. राम मंदिर की बात की जो अबू धाबी में बना, वो भी मतलब है वहां लोग देखने के लिए, यानी जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं वो तो चले, वो एक और उससे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं वो देखने के लिए उसको जा रहे हैं अबू धाबी में. अगर इंडिया कोई जाता है तो कहते हैं जी राम मंदिर देख के आना, तो लाजमी सी बात है आपकी थिंकिंग स्मार्ट होनी चाहिए. बेशक मैं कहता हूँ रिलीजन जो फॉलो करते हैं, बिल्कुल उन्होंने अपने एक उसके लिए बनाया हुआ है, उनको अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, दे शुड बी हैप्पी. और दूसरी बात, अगर बाकी कोई लोग जाते हैं जो उस रिलीजन को फॉलो भी नहीं करते लेकिन वो भी जा रहे हैं वहां पे देखने के लिए कि यार पता नहीं कैसा मंदिर होगा, कि इतना बड़ा एक, जिसे कहते हैं कि पूरे हाइप क्रिएट हुआ जिस वक्त उसको इनॉग्रेट किया जा रहा था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है. और आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि वो सारी चीजों को, इवन रिलीजन को, अपने बिजनेस के साथ जोड़ के रखते हैं कि हाँ लोग देखना चाहते हैं इन चीजों को. बिल्कुल, और अच्छी बात है कि वो उनको एक मॉडर्न वे में उसको वो दिखा रहे हैं, तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है. और हमें भी सीखना है, सीखना चाहिए. आपने टूरिज्म की बात की, तो हम अपने टूरिज्म को इस दुबई को आप देखें ना, दुबई क्या था वहां पर, सहरा ही सहरा. क्या दुबई जो चलता ही है वो टूरिज्म से, राइट. उन्होंने अपने आप को भाई सहरा में उन्होंने पता नहीं क्या क्या पाम सिटी बना ली, क्या क्या बना लिया. दे डिडंट केयर, अपनी रिलीजन भी रखी उन्होंने. Exactly. अगर अब आप वहां देखो 7-star होटल, जब मैं दुबई गई थी वो भी 10-12 साल पहले, तब इतना लग्जूरियस था, अब तो क्या हाल हो गया होगा वहां पे. बट द थिंग इज कि उन्होंने देखा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है,
हम उससे पैसा कमाएंगे। आपकी रिलीजन आपके घर में है, आपकी मस्जिदों में, और बाद में ये नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में मॉस्क नहीं है। आपकी जो इस्लामाबाद में मॉस्क है वो मैं खुद विजिट करने गई थी, देखने गई थी। मोहनजोदड़ो उठा लो आप, उसका हशर कर दिया इन्होंने, वो रूइंस थी, उनको संभाल के रखना था, उससे आप पैसा कमा सकते थे। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन की आपने डिस्कवरी की, क्या करा आपने उसका? सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान में कोई बुद्धा का स्टैचू निकल आता है, वो मैंने पठान को देखा तो हथौड़ियों से तोड़ रहे थे वो, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली। मैं बड़ा दुख होता है इस चीज का। उसको म्यूजियम में डालो, वहां पे टिकट लगाओ, लोग आएंगे देखने के लिए, उससे पैसा आएगा तुम्हारे मुल्क में। नहीं, इतनी सोच ही नहीं। आई स्वेयर टू गॉड, मैं इसका एक बहुत वो है, मैं यहाँ बोलूंगी नहीं, मगर मैं वो कहती हूँ कि भाई देखिए, एक चंद लोग होते हैं वो नॉर्मल पैदाइश होती है उनकी, और चंद लोग होते हैं उनकी नॉर्मल पैदाइश नहीं होती है, उससे उनके सर पे असर पड़ जाता है। And this is the kind of people that you get. तो उनका जो असर है ना सर पे, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल वाली जो, और मेरे ख्याल से ये चीजें अगर हम वाकई में प्रॉपर तरीके से सोचना शुरू कर दें और थिंकिंग हमारी चेंज हो जाए इस हवाले से कि हाँ ठीक है, हम अपने मुल्क को जितना भी है इस लिहाज से हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? ये बहुत आम क्वेश्चन है, अभी तक मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। और आपको पता है कि करने पे आए तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी है, जिस तरीके से रोड के लॉज और रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वो सेम चीज नहीं है कराची में। आपको बिल्कुल सही, चंद जगह है कराची में जहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। अरे मैं गई थी आर्मी के शैलेस जो कराची में है, राइट बाय द वाटर फ्रंट, तो वहां पे हमको एटलीस्ट 3-4 चौकियां जो है पास करनी पड़ी, एंड आई वेंट विद समबडी दैट न्यू देम, राइट। अरे वो शैलेस देखने थे आपने, इन्फिनिटी पूल वहां पर, और वो किस लिए वहां पर होते थे? वो प्राइवेट लग रहे हैं वहां, मुजरे वगैरह ये सारी डांस पार्टीज वगैरह वहीं होती थी। बट आई एम जस्ट सेइंग कि करने को हो तो ये कर सकते हैं, और ये करते भी अपने लिए जरूर करते हैं, लेकिन ये कि बाकी लोगों के लिए ये चीजों कहते हैं ना, इनका दिमाग पहले खराब है, कुछ शायद और खराब हो जाएगा, लेकिन करेंगे। माली थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।